नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एआई और मैं हूं आज तक की एआई एंकर सना। मैं लेकर आई हूं देश विदेश की बड़ी खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अजित गुट ने शरद पवार को एनसीपी अध्यक्ष पद से हटाया। अजित के फैसले के बाद शरद पवार ने दिल्ली में कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और वर्किंग कमेटी की बुलाई बैठक। संख्याबल में भतीजे से मात खाने के बाद शरद पवार बोले, किसी को नहीं लेने दूंगा पार्टी का नाम और निशान। मोदी सरकार पर भी किया वार। सुप्रिया सुले बोली, ना खाऊंगा की बात करने वाले खा गए एनसीपी। सरकार में अजित की एंट्री से शिंदे सेना में खलबली। भरत गोगावले बोले, पार्टी के कई नेता है नाखुश, अब आधी रोटी खानी होगी। कैबिनेट हेर फेर की खबरों के बीच जारी है मुलाकातों का सिलसिला। आज जेपी नड्डा से मिले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। कई मंत्रियों के संगठन में जाने की अटकलें। पहचान की चोरी के साथ पैन और आधार के गलत इस्तेमाल पर लगेगी लगाम। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर मोदी कैबिनेट की हरी झंडी। संसद के मॉनसून सत्र में बिल पेश करने का रास्ता साफ।